पॉजिटिव न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है, जहां हम आप तक दुनिया की उन तमाम पॉजिटिव एक्टिविटीज को पहुंचाते हैं जिनसे दुनिया में, समाज में, जीवन में एक पॉजिटिव चेंज आता है। इसी सिलसिले का एक पहलू है हमारी ये सीरीज पॉजिटिव पीपल पॉजिटिव इंडिया, जिसमें हम आपकी मुलाकात उन शख्सियतों से, उन लोगों से करवाते हैं जो अपने काम के साथ साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे दुनिया बदल रही है, जीवन बदल रहा है, नजरिया बदल रहा है। तो इसी सिलसिले में आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसी महिला से जो हिंदी, मराठी और गुजराती फिल्म और टेलीविजन का एक जाना पहचाना नाम है। अभिनेत्री मुग्धा शाह आज जो कर रही है उसे छोटे छोटे कदमों से ही सही, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत सा बदलाव आ रहा है। तो आइए चलते हैं अभिनेत्री मुग्धा शाह के पास। पॉजिटिव न्यूज नेटवर्क से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं मुग्धा शाह। मुग्धा शाह के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये मराठी और हिंदी टेलीविजन, थिएटर और फिल्म्स की इन्होंने बहुत सारी फिल्में की हैं, और एक बहुत जाना पहचाना और बहुत प्यारा नाम है अपने दर्शकों के बीच में। और जैसा कि आपने देखा कि अभी यहाँ पर जितनी ये सारी आए थे, इनके जितनी शिष्याएं जितनी थी, वो सब भी बिल्कुल जान निकालने को तैयार हैं। तो मुग्धा जी का मुझे लगता पूरा व्यक्तित्व ऐसा है। क्यों? या हाय, बेसिकली 25 साल इंडस्ट्री में, मीडिया में एक्टिंग करने के बाद मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी सोशल वर्क भी करूँगी, बट इट वॉज अ कोइंसिडेंस। मैंने हमेशा अपने आप को एक फिट रखने की कोशिश की है, बाय गॉड ग्रेस ओरिजिनली भी था, थैंक्स टू माय मॉम, थैंक्स टू माय गॉड ऑलमाइटी, जिन पे मेरा बहुत विश्वास है कि उन्होंने हमेशा मुझे फिट रखा है। आई एम 56 नाउ। अगर मैंने डॉक्टर पे कभी अपनी लाइफ में खर्चा किया तो सिर्फ मेरी दो डिलीवरी बच्चों की प्रेगनेंसी के समय, इसके अलावा मैंने कभी भी डॉक्टर पे एक रुपया खर्चा नहीं किया। अब इस माहौल में हम जहाँ पे हमने शूटिंग किया है, ये मेरे घर के बिल्कुल पास है, तो यहीं पे मैं जॉगिंग करने आती थी और देख रही थी कि दो तीन औरतें बैठ के फादरों की तरह कुछ एक्सरसाइज कर रहे थे, जो मुझसे रहा नहीं गया इंसानियत के तौर पे। मैंने जाकर के बात की, मैंने कहा कि आप ये गलत कर रहे हो, आपने ऐसा मत करना, इससे आपकी नस पकड़ जाएगी। दूसरे दिन दोनों एकदम इनोसेंट फेस लेके मेरे सामने आके खड़े रहे, बोले आप हमको बताओ ना कैसे करना। एंड दिस इज हाउ द मुग्धा योगा क्लास स्टार्टेड। अब इसको हमारे 2.5 साल हो गए हैं, 2.5 साल में ये दो औरतों को मैंने सिखाते सिखाते आज हमारे पास 200 औरतें। एंड द बेस्ट पार्ट, द हैप्पीनेस विच आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस, रजुला टेल यू के इतने साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद अच्छे से अच्छा काम किया, जहाँ पर तारीफ की काम की, उसमें भी उतना सुकून नहीं मिला या उतनी खुशी नहीं मिली जितनी खुशी यहाँ मिली। पैसा देके प्रोफेशनल क्लास ज्वाइन करना आज के दिन नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी उधर मुझे मिलता है दिल से सिखाती है दीदी, नो का दर्द तो, लेकिन अभी सब आसन भी मैं कर सकती हूँ और सब ठीक है। तो कब से कर रही है? 2 वर्ष से कर रही हूँ। घर के बाहर नहीं निकलती थी दीदी के कारण, आज तक यहाँ से भी आने लगे करने लगे, इतनी समझता नहीं था। हाँ तो ड्रेस तो हम पहन के लेते हैं, पूरा दीदी ने हमको यहाँ लेके आई, इतना यानी कि एक्टिव बनाई है पूरा, और यानी कि हाथ पैर वगैरह घूमते थे, योगा वगैरह करने से ज़रा अच्छा लगने लगा। इट्स अ डिफरेंट थिंग, इट्स इनर पीस। जो स्कूल या खुशी मुझे यहाँ मिलती है, इन औरतों को सिखा के मिलती है। मैं बताऊँ अर्जुन, जब मैंने क्लास शुरू किया था ना, तो मुझे देखते हुए मेरे आँखों में एक्चुअली आई वॉज हैविंग टीयर्स कि औरतें जो गेहूँ की बोरी आती है, चावल की बोरी आती है, उस बोरी को, प्लास्टिक की बोरी को हाथ से सिला के उसकी एक चद्दर बना के ला के योगा करते हैं, आज कहाँ से कहाँ हो गया है। एक भी औरत सलवार कमीज में नहीं थी मेरे पास, इच एंड एवरी बडी साइड ना ना, हमारे घर वाले क्या बोलेंगे, हमारे घर में तो साड़ी के अलावा तो अलाउड ही नहीं है, ससुराल वाले क्या बोलेंगे, किसी ने फोटो निकाल लिया, किसी ने देख लिया तो हमको तो घर से निकाल देंगे। इस मेंटेलिटी की औरतों को आज आप साड़ी में से बाहर निकाल के, घर की चार दीवारी में से बाहर निकाल के, प्लास्टिक की चद्दर में से बाहर निकाल के, आप योगा मैट तक ला के, वो सलवार कमीज से टाइट्स पे आती हैं औरतें, तो इससे ज़्यादा मैंने शायद ही कुछ अचीव किया अपने लाइफ में। धीरे 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 ना ये एक फैमिली बनती गई, 2 से 20 हो गए, 20 से 40 हो गए, 40 से 100 हो गए, 100 से 50 हो गए। हम पहले यहाँ पे गार्डन में ऊपर एक स्टेज है वहाँ करते थे, तो वो जगह हमको कम पड़ने लगी, वहाँ पे 80 अकोमोडेट हो गए थे,
हमारे पास 150-160 एट ए टाइम हुआ करते थे, तो फिर हमने यहाँ आना शिफ्ट कर लिया। मैंने कहा वहाँ नहीं हो रहा, अभी हम यहाँ आएंगे। नहीं मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था, तो मेरी फ्रेंड है आते हैं, तो हम लोग स्कूल में हमारे बच्चे साथ में पढ़ते हैं, तो उन्होंने बोला कि अभी तुमको चलने में प्रॉब्लम होगी और वेट भी गेन होगा क्योंकि घर में बैठना पड़ रहा था, तो उन्होंने बोला कि तुम योगा में आओ। फिर हम लोग आए, उनको पूछा तो बोले हम आ जाओ, जैसे हमारे घर में कोई फंक्शन है या यहाँ पर भी हम लोग फंक्शन करते हैं। अच्छा, देखो किया है हम लोगों ने दो बार और पार्टिसिपेट भी किया, छोटा छोटा फंक्शन मतलब उसमें था, फैशन शो वगैरह, सिंगिंग डांसिंग सब था, वो सेलिब्रेट किया हम लोगों ने। हम लोग मतलब सब लोग महाराष्ट्र में, सिर्फ हम लोग दो मुस्लिम हैं, लेकिन लेफ्ट आउट नहीं करते। योगा डे के दो दिन पहले से मैंने शुरू किया था, मुझे स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है और बहुत अपसेट रहती थी, पूरा दिन सोती थी, मतलब नींद नहीं रहती थी मेरे आँख में। डॉक्टर ने कहा कि आप थोड़ा चला करो सुबह शाम, तो मैं सुबह ऐसे यहाँ चलने आई, तो देखा तो कुछ औरतें योगा कर रही थी, तो मुझे लगा कर ये देखने लगी, एक दिन देखा, दो दिन देखा, फिर बाद में तीसरे दिन मेरे मैडम को पूछने आई थी कि मैं भी आ सकती हूँ क्या, तो बोले हाँ, तो मैं बोली कुछ पैसा लेते क्या, नहीं, बोले हम फ्री सिखाते हैं, बोले ठीक है मैं कल से आ जाऊँगी, लेकिन ना मैं मैक्सी में थी, तो बोले ऐसे नहीं आना है, आपको ड्रेस पहनना पड़ेगा। मैं ज़िंदगी में कभी ड्रेस नहीं पहनी हूँ, तो उन्होंने बोले, तो मैंने ये ड्रेस पहले ही ख़रीदा क्योंकि दो दिन बाद योगा डे था, तो तब से मैंने ड्रेस भी पहनना शुरू किया और मैं अभी आती हूँ तो मैं बहुत अच्छी हूँ, तबीयत मेरी अच्छी रहती है, सब मतलब अपना जैसा लगता है, घर आए ऐसा लगता है। मी ट्रीटमेंट नंतर मग योगा करायला लागली, गोकुळधामला सरस्वती पाटील सर विष्णू मंदिर, तिथे मला दीदी भेटली, नंतर मी इकडे जायला आहे, त्यानंतर मी राऊंड मारायची, दीदी दिसल्यानंतर खूप चालू केला योगा, मला खूप बरं वाटलं, मला काही त्याच्यानंतर 9 वर्षानंतर काही फरक दुखलं नाही काही नाही, एकदम दीदीने सांगितले ते औषधं पण केली, दीदी शिकवते तू योगा पण केला, दीदी छान शिकवते। और हम लोग 1.5 साल से आ रहे हैं और हम लोग को मतलब इतना बेनिफिट हो रहा है ना, बहुत बेनिफिट, मतलब हम लोग इतने मोटे थे उससे आधे हो गए हैं। यहाँ दीदी योगा तो सिखाती है, ऊपर से बहुत सारी ऐसी जानकारी देती है जो मतलब बहुत अच्छी हमारे फायदेमंद होती है, आयुर्वेदिक दवाई है। और ये भी फ्रेंड है, इसको थोड़ा जॉइंट पेन था लेकिन वो भी अभी ठीक हो गया, हमें इधर आके पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। हाँ, और एक दिन भी मिस किया तो हमें लगता है आज कुछ तो हमने मिस कर दिया, छूट गया चलेगा, बट हमारा योगा क्लास भी छूटना चाहिए। जितना भी मेरे पास नॉलेज था या है और जो ले रही हूँ, वेरी नेक्स्ट डे आई कम हियर एंड आई शेयर एवरीवन, आज हमें नया सीखा है, सो टेक इट। 3-4 महीने में एक बार हम वनडे पिकनिक करके आते थे, क्योंकि इनकी ये घर से बाहर निकलना पड़ता है, तो सालों से 30-35 साल से औरतों ने घर के बाहर कदम नहीं रखा गया। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले जन्म के कुछ इनके साथ मेरे लेन देन रहे होंगे या पिछले जन्म का कुछ तो रहा, वरना हम ऐसे ही नहीं मिलते। एनी हाउ आई वॉन्ट टू कम आउट एंड आई वॉन्ट टू लिव द लाइफ, आई वॉन्ट देम टू लाइक
मैं भी रह सकती हूँ खुश, मैं भी अपनी तरफ से जी सकती हूँ। मेरी एज है 15, मैं खुद एक रेकी की टीचर हूँ और एक्यूप्रेशर मास्टर हूँ, लेकिन इनके पास जो मिला है ना वो दुनिया में कहीं नहीं है। और मैं भी यंग लाइफ हूँ, मैं भी घर में से नहीं निकलती, लेकिन दीदी की वजह से आज बहुत इट्स नॉट अ प्लान ग्रुप इट्स अ प्लान ग्रुप and that plan made by God. This is an angel. Thank you so much. Thanks to you guys. Thank you. Love you. Thank you so much. पॉजिटिव पीपल पॉजिटिव इंडिया की आज की इस कड़ी में हम मिले अभिनेत्री मुग्धा शाह से और उनका जो काम है जो वो धीरे धीरे करती जा रही है, बढ़ता जा रहा है, उससे एक जो पॉजिटिव सी पहल शुरू हुई है जो बढ़ती जा रही है वो वाकई बहुत खूबसूरत है। उनके पैशन को सलाम। अगली बार ऐसी ही किसी शख्सियत के साथ उनके पॉजिटिव काम के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। बने रहिए पॉजिटिव न्यूज नेटवर्क के साथ।